हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी, जो पानी से नहीं दूध से बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और हाँ, इसको एक बार खाओगे तो पनीर की सब्जी का टेस्ट भी भूल जाओगे, यकीन मानिए। इतना अच्छा टेस्ट लगता है इसका। आप इसको रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने टमाटर, एक प्याज, लहसुन, एक हरी मिर्ची, एक कटोरी सेव और ये आधा लीटर दूध लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालिए। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, जीरा भून चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सुनहरा गुलाबी होने तक भूनेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए कि क्या सब्जी बनानी है तो यकीन मानिए दोस्तों, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। जब सब्जी काटने का झंझट है और जल्दी से बनाकर आप इसे खा सकते हैं। अब प्याज थोड़े से भून चुके हैं, अब डालेंगे टमाटर। अब टमाटर को मिक्स करेंगे। अब इनमें डालेंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पहले से भी मिर्ची डली है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच करीब नमक या तो स्वाद अनुसार, और या तो आप गरम मसाला डालिए। मेरे पास ये सब्जी मसाला है इसलिए 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, या तो आप गरम मसाला डाल सकते हो इस जगह पे। इसका एक और बेनिफिट है, इस सब्जी में आप नमक के साथ दूध डालोगे तो बिल्कुल नहीं फटता है। सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब इस पे ढक्कन लगा के थोड़ा सा मसाला भूनने तक कम आंच करके रखिए। ये देखिए मसाला भून चुका है, तेल छोड़ दिया है इसने। ये देखिए अच्छे से पक चुका है मसाला। अब डालेंगे इसमें सेव, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे दूध। अगर आपके पास ज़्यादा गाढ़ा दूध है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मिक्स कर लीजिए। हाँ दोस्तों, इसको हम सब्जी को ढकन ही पकाएं, अगर ढकोगे तो दूध फन के बाहर निकल जाएगा। इस सब्जी को हम खुला ही पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दूध में उफान ही आना है क्योंकि सेव पहले से अच्छे से पकी हुई है, मसाले भुन चुके हैं। ये देखिए इसको अच्छे से खुले में ही पकाएंगे, याद रखना ढकना बिल्कुल नहीं है। देखिए दूध में उबाल आ चुका है, इसको मिक्स कर लेना। ये सब्जी मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है और बच्चे बार बार बोलते हैं बनाने की, आप भी बनाकर खाइए। इसको थोड़ा सा उबाल और आने दीजिए, ढकना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, नहीं तो फिर ऐसे ऊपर आके नीचे गिर जाए दूध। ये आप बोल क्या रेडी हो गई है। थोड़ा सा हिला के और मिक्स कर देंगे। एक और बात दोस्तों, इसको ज़्यादा गाढ़ी करके बंद नहीं करना, नहीं तो फिर सेव अपना दूध सोख लेती है तो बहुत ही टाइट हो जाएगी। ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में रहेगी तभी उसको बंद करना है, ताकि उसमें अच्छे से ग्रेवी ग्रेवी बनी रहे। अब ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं ढककर। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। ये देखिए इतनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर भी आ गया है दूध डालने के बाद भी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया,
बिल्कुल 10 मिनट में बनकर सब्जी रेडी हो जाती है। न कोई सब्जी काटने का झंझट है, न सोचने का झंझट है क्या बनाएं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इतनी ही अच्छी वो खाने में भी लगती है। इसलिए बनाकर और खाकर बताइए कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।